नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आप मेरे साथ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। हमने अब तक भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद पर अपनी चर्चा की है। आज हम बात करेंगे भारत की संसद पर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं भारत की संसद पर। भारत के जो संविधान है, उस संविधान के आर्टिकल 79 में यह कहा गया है कि संघ की एक संसद होगी और यह संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। संघ की एक संसद है जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। ये लोकसभा और राज्यसभा जो नाम हैं, वो नाम दिए गए 1954 से। इसके पहले लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही कहा जाता था। 1994 में लोकसभा और राज्यसभा नाम दिया गया। आप याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा जिनको हम कह रहे हैं, इनकी पहली बैठक, इन दोनों ही सदनों की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई है। पहली बैठक कब हुई है? 13 मई 1952 को। अब देखिए, खास बात इसमें यह है कि भारत का जो पहला संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन, भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। और मैं कह रहा हूं कि 13 मई, या मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात है कि लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और भारत का पहला जो संविधान संशोधन हुआ है वो 1951 में हुआ है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भारत का जो पहला संविधान संशोधन है उसे किसने किया, लोकसभा ने, राज्यसभा ने, आप कह सकते हैं राज्यसभा एक स्थायी सदन है तो क्या उस समय राज्यसभा था, या फिर संविधान सभा ने, संविधान सभा जो कि अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, देखिए, इस बात से आप समझ सकते हैं कि पहली बैठक 13 मई 1952 को हो रही है। अगर 13 मई 1952 को पहली बैठक हो रही है लोकसभा और राज्यसभा की, तो लोकसभा और राज्यसभा तो जो पहला संविधान संशोधन है 1951 का संविधान संशोधन है, उसे पास नहीं कर सकता। उसे पास कौन करेगा? संविधान सभा, जो कि अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी, उसने ही क्या किया है, पहला संविधान संशोधन किया है। संविधान संशोधन के जो भी नियम है वो किस पे लागू हुए थे? संविधान सभा पर लागू हुए थे। तो प्रश्न यह भी हो सकता है कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ उस समय सदन था, दो सदनी, एक सदनी, राष्ट्रपति के आदेश से हो जाता था। तो याद रखिएगा, पहले संविधान संशोधन के समय जो सदन है वो एक सदनी है, केवल एक सदन है, और वह कौन है? संविधान सभा है, जो कि अंतरिम संसद के रूप में काम कर रहा था। और इसी अंतरिम संसद ने और क्या किया है? राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया और इसी अंतरिम संसद ने राष्ट्रपति जी को चुना था। और इसी अंतरिम संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम को भी पारित किया था। सांसदों के
चुनाव प्रक्रिया के संबंध में जो बातें की गई हैं वो जनप्रतिनिधि अधिनियम में की गई हैं किस प्रकार से, तो ये सब को बनाने का प्रोसेस क्यों किसने किया था, अंतरिम संसद ने किया था। तो याद रखेंगे 1951 में जो पहला संविधान संशोधन है वो एक सदन केवल संविधान सभा या अंतरिम संसद है उसने पास किया था। क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा 13 मई 1952 में अपनी पहली बैठक करते हैं। चलिए अब हम कुछ और आगे देखते हैं, ये बात हुई हमारी संसद की, अब हम देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में बताया गया है इसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में एक है कि इसमें 250 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में 245 सदस्य हैं और इन 245 सदस्यों में 235 सदस्य 233 मेंबर्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे, ये निर्वाचित होंगे तथा 12 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे, 12 सदस्य मनोनीत होंगे। अब ये जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वे किन क्षेत्रों से आते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे आंसर अपना देंगे। देखिए ये जो 12 सदस्य आते हैं उनके लिए संविधान में क्या लिखा है ये जरूरी है जानना आपके लिए। ये आएंगे साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा, ये आएंगे समाज सेवा। देखिए साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से एक प्रश्न आपके मन में आएगा फिर कि सचिन तेंदुलकर या मैरी कॉम को राज्यसभा में मनोनीत किया गया तो क्या इसमें खेल शब्द भी जोड़ा गया है। देखिए भारत रत्न के संबंध में खेल शब्द को जोड़ा गया परंतु राज्यसभा में जिन सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा 12 सदस्यों का उसके लिए अभी भी जो कंडीशन है वो क्या है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा ही हैं। अब सचिन तेंदुलकर और मैरी कॉम को किस प्रकार से लिया गया तो आप ये कह सकते हैं या तो उन्हें कला के सेक्टर में माना गया होगा या समाज सेवा के दृष्टि से देखा गया होगा कि वो अपना योगदान समाज में दे रहे हैं या बहुत चांसेस हैं कि कला सेक्टर से ही उनको मानकर राज्यसभा की सदस्यता दी गई हो, मनोनीत किया गया हो। तो यहाँ पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, यहाँ खेल शब्द नहीं जोड़ा गया है, यहाँ खेल शब्द नहीं जोड़ा गया है। अब देखिए 233 सदस्यों वाले की बात करते हैं कि 233 सदस्य निर्वाचित होंगे। अब ये जो निर्वाचित सदस्य होंगे किस राज्य से कितने होंगे, कहां से कितने सदस्य होंगे, राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक, इसके संबंध में जो बात की गई है वह बात की गई है अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 बताता है कि राज्यसभा से जो सदस्य होंगे वे कहां से कितने सदस्य आएंगे। अब राज्यों के संबंध में एक बात कही गई है कि राज्य से जो भी राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे उनको कौन चुनेगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे। दूसरी कंडीशन आती है केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार चुने जाएंगे, भारतीय संविधान में इस संबंध में क्या बताया गया है कि राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे उनमें सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होगा, राज्यसभा के सदस्य चुनेंगे, राज्य में जो विधानसभा होगी विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, विधानसभा सदस्य, या फिर राष्ट्रपति उनको चुन देंगे, या फिर मंत्रिपरिषद को ये अधिकार दिया गया है, या फिर
यह कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होगा, इसके संबंध में नियम कौन बनाएगा? नियम संसद बनाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से कितने सदस्य चुने जाएंगे और वो किस प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाएंगे, इसके संबंध में ये कहा गया है कि इस संबंध में नियम कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। जबकि राज्यों के संबंध में यह कहा गया है कि राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वे क्या चुनेंगे? वे चुनेंगे राज्यसभा के सदस्यों को। चलिए अब आगे बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, अब ये निर्वाचन किस पद्धति के माध्यम से होता है? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, एकल संक्रमणीय मत या एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति या फिर मैं यहाँ पर कहूँ टू यानी कि एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति के गुप्त मतदान से या फिर आप फोर्थ में लिखिए टू प्लस एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति के खुला मतदान प्रणाली से, खुला मतदान किस प्रकार होता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो इस संबंध में अनुच्छेद 80 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति से होगा, यह बात लिखी गई है। लेकिन जो मतदान होता है वह किस तरीके का होता है? वह खुला मतदान होता है, ना कि गुप्त मतदान। राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणी अनुपातिक गुप्त मतदान की पद्धति से चुनाव होता है। अगर कोई विधायक अपना वोट दिखा देता है या सांसद सदस्य अपना वोट दिखा देता है तो वो वोट इनवैलिड घोषित हो जाता है। परंतु राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के समय खुले मतदान की प्रक्रिया है और यह जो बताया गया कि खुले मतदान से होगा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह बताया गया है जनप्रतिनिधि अधिनियम। दो बनाए गए हैं, एक बनाया गया 1950 फिर 1951। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम में यह बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति से होगा और यह खुला मतदान होगा, ना कि गुप्त मतदान। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में। राज्यसभा, सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा का कार्यकाल। तो एक छोटा सा प्रश्न कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष 6 वर्ष या फिर 10 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का कार्यकाल, तो देखिए राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा। तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होगा, ये क्या होगा? स्थायी सदन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। बात जो होती है वो होती है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अब देखिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्या यह भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है इस बात का?
आप उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं इसका, कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, क्या इस संबंध में संविधान में कोई बात की गई है? तो देखिए, इस संबंध में बात नहीं की गई है, ऐसा बात नहीं लिखी है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 यह कहता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अपना पद क्या कर देंगे, रिक्त कर देंगे। तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिक्त करते हैं, तो फिर अगले 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य और फिर 1/3 सदस्य, तो हम ये मान लेते हैं कि कितना हो सकता है, एक सदस्य का मैक्सिमम कार्यकाल 6 वर्ष हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 83 यह कहता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपना पद रिक्त करेंगे। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि क्या भारतीय संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, तो इस तरीके का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है, पर अनुच्छेद 83 ये जरूर कहता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपना पद रिक्त कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ बातें हैं जहां पर एग्जामिनर आपसे गलतियां कराने का प्रयास करता है। हम इसी तरीके के प्रश्नों को और आगे भी देखते रहेंगे। धन्यवाद।